उत्कल शुभ्रता केशरी क्षीणमध्यापक्वरणमयि वयस्मास्कंधवीन्यस्तस्थोभुवनृशपुञ्जं जातिराधा ॐ नमः परम हंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीराधिचन्द्राय वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवितं नृसिंहमहान्दवे विश्वसर्ग विसर्गादिन्नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धामनमामि जय श्रीरूपसनातन भट्टरघुनाथ श्रीगोपाल भट्टदास रघुनाथ ये छै गोसाई करि चरण वंदन जहाँ हित रघुनाथ सविष्ठर पुरन वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की श्रीमनित्यानंद प्रभु की श्री अद्वैत प्रभु की श्री गदाधर प्राणनाथ की श्री श्री श्रीवास पंडित की श्री श्री खष्ट गोस्वामी वृंद की ब्रजरानी राधा रानी की श्री लाडली लाल की श्री गिरिंद बिहारी बिहारी सरकार की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री पंडित बाबा जी महाराज की परम मंगल में कारण करुणा प्रणालय श्री गौरांग महाप्रभु की महती अनुकंपा से गिलाप पुष्पांजलि के माध्यम से सत्संग लाभ का सुअवसर प्राप्त हुआ है। गिलाप पुष्पांजलि श्लोक संख्या 57 भोजनावसरे देवी स्नेहेन स्वमुखाम्बुजा मह्यं तद्गतचितायै किं सुधास्त्वं प्रदास्यसि। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रिया जी का स्मरण करते समय इस लीला का स्मरण कर रहे हैं कि हे देवी, हे वृषभानुज, भोजनावसरे भोजन के समय त्वम किम तदगत चीता ये मनियम तदगत चीता है मंजरियों का एक स्वरूप है तदगत चीता है। प्रिया जी के चिंतन के अतिरिक्त उन लोगों के पास और कुछ नहीं है, सतत प्रिया जी की चिंतन करते होते मंजरियों का स्वरूप अर्थात उनका चित्त नित्य निरंतर प्रिया जी की सेवा में निमग्न रहता है। निमग्न का अर्थ होता है तद सुख साधनाय गतौ मनौ जस्या रहस्य, अर्थात प्रिया जी की कैसे सुख मिले उनका लक्ष्य है सुख देव। ये मंजरियों का स्वरूप है, स्नेह न सेवा करते समय प्रेम हो स्नेह हो और स्वमुखाम्बुजात सुधा, ये प्रसाद केवल मंजरियों को ही प्राप्त होता है, अन्य लोगों को प्राप्त होता है। प्रिया जी के मुख में जो चर्बित प्रसाद है उसकी इष्ट द्रव्या ने अपने प्रेमास्पद का जो वस्तु है प्रदास्यसी, ऐसा कब सुअवसर प्राप्त होगा कि आपके मुख का जो उच्छिष्ट प्रसाद है उस प्रसाद को मैं कब प्राप्त करूँ।
श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी इस सेवा प्राप्त हुआ है बिलाप से। इसका नाम क्या है? बिलाप कृष्ण। भगवान के लिए तड़पना, रोना, बिलाप करना, रोने से कुछ भी प्राप्त हो सकता है। आचार्य लोग कहते हैं बालकों का सबसे बड़ा बल क्या है? रोना। बालकों का संपत्ति है। उसी तरह कृष्णगत प्राण भक्तों का सबसे बड़ा आधार है रोना, श्री कृष्ण के लिए तड़पना। और उस रुलाई में ही प्रिया जी की उस लीला का स्मरण कर रहे हैं और उनको निश्चित है, आशा है कि हमारी रुलाई जरूर सफलीभूत होगी। प्रिया जी जरूर हम पर कृपा करेंगे। हम लोगों को रोने नहीं आता, इसीलिए प्रिया जी की सेवा नहीं मिल पाती। लगन यदि रहे तो जरूर मिले। तो वे अपना समय बहुत कष्ट से बिता रहे हैं। जब तक सेवा न मिले तब तक रोना तड़पना। और राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रिया जी, यदि आप हम पर दया नहीं करेंगी तो हम जीकर क्या करेंगे? इस ब्रजवास से क्या मतलब? इस संसार से क्या मतलब? अरे हमको कृष्ण से भी क्या मतलब है यदि आप प्रसन्न नहीं? यहाँ तक कि विरह त्रापित प्राण से और विरह से भी हमको क्या लेना है? हम विरह कर रहे हैं केवल आपके लिए। वस्तुतः बिना राधा रानी की कृपा के यह सुख असंभव है। आचार्य चरण कहते हैं बिना राधा प्रसादे न कृष्ण प्राप्ति न जाए। बिना प्रिया जी की कृपा से श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। राधा रानी की आराधना करने से ही कृष्ण कृपा प्राप्त होती है। ये भगवान जो श्री कृष्ण है ना, बड़े टेढ़े और भगवान किसी को अपने पास आने नहीं देते। यदि कोई जीव भगवान के पास आता है तो भगवान उसको माया को भेज देते हैं कि वो मेरे पास आ रहा है, थोड़ा देख लो क्या किस लिए आ रहा है, क्या है माया को। ये भगवान ऐसे नहीं है। प्रिया जी हैं कि प्रिया जी क्यों कुछ नहीं देखती हैं कि वो क्या करके आया है, क्यों आ रहा है, उसका क्या उद्देश्य है। केवल प्रिया जी की शरण में यदि कोई जीव पड़ा रहता है तो प्रिया जी की कृपा होती है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं राधिका चरण रेणु, ये प्राप्त करना है श्री कृष्ण को तो भूषण करिया तनु। वैष्णव का सबसे भूषण क्या है तो ब्रज। महात्मा लोग ब्रजरज लपेटते, ये ब्रजरज क्या है? प्रिया जी का चरण रेणु। 84 कोष ब्रज मंडल में प्रिया जी रोई हैं, रास की हैं, रास में नृत्य की हैं, तो उनका चरण रेणु है। तो राधिका का चरण रज ही महात्माओं का सबसे बड़ा भूषण है। यदि यह प्राप्त किया, इसीलिए स्वामी हरिदास में हरिदासी लोग अपने पूरे शरीर में ब्रजरज लगा। एक महात्मा उसको मिला था यही भागवत निवास में, वो कहता है कि हम लोग क्या करें जब ब्रजरज लगाते हैं तो मन की स्थिति भी कुछ और हो जाती है। ब्रजरज लगा पूरा, यही भूषण है। अनायास पावे गिरधारी। गिरधारी को प्राप्त करना बड़ा कठिन है, नहीं मिलता है। लेकिन श्री कृष्ण को प्राप्त करना है तो वह सत्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्ति तमराधिका चरण रेणु मनुस्मरण। उस श्री कृष्ण को प्राप्त करना है तो तत्काल प्रिया जी के चरण रज को लेकर के कोई आवाहन करता है तो भगवान अनायास ही मिल जाते हैं। इसलिए राधिका चरण आश्रय लेना। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हैं प्रिया जी के चरण कमल का आश्रय लिए, आज जो जो राधा रानी के चरण कमल का आश्रय लिए हैं, मैं तो उनको ही प्रणाम करता हूँ, उनको पूजन करता हूँ प्रिया जी के जो करते हैं। और खास करके ये जो राधा नाम है, जय जय राधा नाम वृंदावन जार धाम कृष्ण सुख विलासिनी, ये प्यारे श्याम सुंदर नित्य निरंतर राधा नाम का संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण किसका कीर्तन करेंगे? राधा नाम का संकीर्तन। हमेशा राधा राधा बंसी पर बजाते हैं। जाहि श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार। हमेशा बार बार प्रिया जी के नाम का लेकर के आह्वान करते रहते हैं, कीर्तन करते हैं।
हे राधा कृष्ण गुण ना सुनिल मोर कान वंचित करिल मोर बीच। यदि राधा नाम, ये राधा नाम संकीर्तन ब्रज में करना नहीं, स्वतः होता है। जहां भी जाइए राधा 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 राधा, कहीं किसी को रास्ते में पैर धक्का भी लगे तो राधे राधे कहते हैं, स्वाभाविक राधा नाम का संकीर्तन होता रहता है। इसलिए यदि किसी का सानिध्य प्राप्त करना है तो बस भक्तार भक्त संग सदा रास लीला प्रेम कर। देखिए महात्माओं का जीवनी, ये महात्मा लोग भगवान श्री कृष्ण के बहुत से कथा इत्यादि नहीं सुनते, वही प्रेम खेल प्रेम खेली वार्ता रूप गोस्वामी का एक ग्रंथ, रूप गोस्वामी का बात है। प्रियालाल जो बात करते हैं निकुंज में उसको कान लगाकर सुनना। भगवत रसिक जी का पद एक है, करीने बोलन पैली प्रियालाल जो बात करते हैं उसको सुन करके बस सखी मंदिरियां तीर्ण तोड़ती हैं, इतना मधुर बात प्रियालाल की जो बात है। कैसे बात करते हैं, बात करने की भी तरीका है, कैसे बात करते हैं। प्यारे श्याम सुंदर जब प्रिया जी से बात करते हैं तो प्रिया जी का हाथ पकड़ कर बात करते, हाथ गहे बतरात परस पर, हाथ गहे बतरात परस पर, रूप थके प्रिय प्यारी। ये प्रियालाल की बात सी, कोई कोई बात प्रिया जी नहीं मानती, श्याम सुंदर की सब बात नहीं मानती। कभी कभी प्यारे श्याम सुंदर कहते हैं प्रिया जी अपने चरण कमल हमारे सिर पर रख दो, बात नहीं तो को बात न, किसी किसी बात को बात न मानत प्यारे। प्यारे श्याम सुंदर बात कर रहे हैं और कोई कोई प्रार्थना करते हैं तो प्रिया जी नहीं मानते, तब श्याम सुंदर प्रिया जी से प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना, प्यार लाल करत मनोहर। देखिए ये निकुंज की बात है, इस बात को महात्मा लोग हमेशा सुनते रहते हैं। प्रियालाल का क्या संवाद चल रहा है, क्या बात, ये भी वार्ता। इस बात में ही, इस बात को जब सखी मंजरियां कुंज रंग से सुनती हैं तुम्हारा तृण तोड़ती है, किसी की नजर न आती। ये प्रियालाल का जो बात है, तार भक्त संग सदा रास लीला प्रेम कथा। अब बहुत हो गया, क्या वेद उपनिषद पढ़कर होगा, अब तो प्रिया जी केवली वार्ता पढ़ना है, सुनना है, बस उसी रस में निमग्न रहना है। जे करे सिपाही घनश्याम, भगवान को भी बहुत दुखित गोविंद का पाठ करता है, तो अब क्या इधर उधर का गति करना है। श्याम सुंदर तो अपना कान लगाकर सुनना चाहते हैं गीत गोविंद। विमुख ये, इस रस से जो लोग विमुख हैं, जो दूर पड़े गए, तार कबू सिदिना, ये महामंत्र के विषय में लिखा गया, उपनिषद में लिखा गया है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र को छोड़ करके अन्य मंत्र का जपता है तो उसे सिद्धि उदी नहीं मिलती, ये महामंत्र के विषय में। इहाते विमुख जे, प्रियालाल के दिव्य लीला से जे विमुख है, तार कबो सिद्धि नहीं, ना सुनिए जिन तार ना। गोपियां कहती हैं बस अब कान मूंद लो, अभी संसारिक बात नहीं सुन। कृष्ण नाम गाने भाई राधा राधिका चरण पाए। इसीलिए ये जुगल ये महामंत्र है ना हरे कृष्ण, इसमें प्रिया जी का नाम और प्यारे श्याम सुंदर का नाम दोनों का नाम प्रियालाल। राधा नाम गाने कृष्ण चरण, प्रिया जी हमेशा कृष्ण कृष्ण कहती रहती हैं और प्यारे श्याम सुंदर हमेशा राधा 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 लिखते रहते हैं। बस अब अधिक क्या करना है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं संक्षेप का ही रूप बताओ, संक्षेप में तुमको सारा सिद्धांत बता देते हैं। घुचाओ मनेर व्यथा, अपने मन के व्यथा को अब मिटा लो, दुख मय अन्य कथा धन।
श्री कृष्ण प्रियालाल के दिव्य लीला को छोड़ करके जितनी भी चर्चाएं हैं उन चर्चा को अब छोड़ दो बस। इसीलिए श्री गौरांग महाप्रभु इस जगत में आकर के हरे कृष्णा ये 32 नामाक्षर मंत्र को दिए। ये तारक ब्रह्म है, ये भी महामंत्र है ना, ये भगवान को वशीकरण मंत्र है। मंत्र तो बहुत है संसार में, भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन इस मंत्र को श्री गौरांग महाप्रभु उपनिषद में, जैसे कलि संतरणोपनिषद में लोग कहते हैं कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, इस प्रकार मंत्र लिखा है कलि संतरणोपनिषद में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, लेकिन उसके नीचे लिखा गया जपन ब्राह्मण, इसको केवल ब्राह्मण ही जप सकता और दूसरा कोई नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वैदिक मंत्र। इसीलिए श्री गौरांग महाप्रभु को ये ब्रह्मांड पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में हरे कृष्ण मंत्र मिला। तो इस मंत्र में ये पौराणिक मंत्र होने के कारण इस सबको अधिकार दे दिया। ये मंत्र है ना पौराणिक मंत्र, आए हरे राम 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 हरे हरे वैदिक मंत्र, तो उपनिषद का मंत्र। कलि संतरणोपनिषद में लिखा गया है कि द्वापर के अंत में, द्वापरांते, द्वापर के अंत में नारद जी ब्रह्मा जी के पास, अरे नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए। नारदो ब्राह्मणम जगाम, नारद जी ब्राह्मण ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी पूछे प्रथम भगवान कैसे आए, क्या बात? ब्रह्मा जी पूछे नारद जी से आप कैसे आए, तो कहे गाम पर्यटन, इस पृथ्वी को घूमते घूमते आए। तो मैं इस पृथ्वी पर घूमता हूँ तो संसारिक प्राणी अपना संस्कार हमको दे देते, अब जहाँ जाता हूँ तो वहाँ उस वातावरण हमको लोग फेंक देते, जिसका जितना चित्त शुद्ध होता है तो संसारिक प्रभाव अपने आप आ जाता। तो कहते हैं कलिम संतरेयम इति, हम इसीलिए आए हैं कि कलयुग के दोष हमको न प्रभावित करे, इसके लिए कोई उपाय बताए, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं इस संसार में घूमता भी रहूं और संसार का जो प्रभाव है काम क्रोध लोभ संसारिक प्राणियों का वो हम पर फेंके नहीं। देखिए कोई भी आध्यात्मिक सत्ता पृथ्वी पर चलती है तो प्रत्येक प्राणी उस पर कुछ फेंक, जो जिसके पास जो है फेंकता है। भागवत में लिखा गया है संसारिक प्राणियों के पास क्या है, तो काम जल्दी फेंकते, कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौभाग ये सब फेंकते रहते हैं। तो हमको लोग फेंकते हैं, अपनी वासना को मुझ पर फेंकते हैं, उस समय बचू कैसे? नारद जी प्रश्न किए, मैं कलयुग में हमेशा घूमता रहता हूँ और प्रत्येक प्राणी जो भी मुझसे मिलता है मिलने के बाद हम पर कुछ फेंकता रहता है, तो मैं कैसे संतरेयम इति, कैसे इससे संतरण प्राप्त कैसे करूँ, उससे मैं पार कैसे? तो स हो अच्छा ब्रह्मा जी बोल साधु पृष्ठोस, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया पूछा है, जब प्रश्न पूछा है तो सर्वश्रुति रहस्यम गोप्यम तत्क्षिण, समस्त वेद उपनिषदों का जो गोपनीय रहस्य है उसको तुम सुन, जे में कलि संसारम तरीके से, जिसे तुम कलयुग के पापों से बच सकते। ये ब्रह्मा बताए नारद जी, तो क्या है कैसे मैं करूँ? तो कहते हैं भगवत आदि पुरुषस्य, जो भगवान आदि पुरुष है नारायणस्य, जो भगवान नारायण है, नामोच्चारण मात्रेण निर्धूतम कलिर्भवति, उन नारायण भगवान के नाम लेने मात्र से कलि निर्धूत हो जाता है, कलि का प्रभाव नष्ट हो जाता है। तो नारद पुनः प्रपक्ष, नारद जी पुनः पूछे कि तन नाम किम इति, उनका नाम कैसे है, उस नारायण का नाम मैं कैसे लूं? तो स हो आचा हिरण्यगर्भ, तो साक्षात ब्रह्मा जी हिरण्यगर्भ जो ब्रह्मा है वो बोले, वो ब्रह्मा जी बोले। अब देखिए इसमें बहुत मतभेद है, कुछ लोग कहते हैं कि हरे कृष्ण बोले हरे कृष्ण राम, कोई कहते हैं हरे राम, तो बहुत जगह हरे हरे राम मिल जाए,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। ये नाम ब्रह्मा जी बोले और बोलने के बाद कहे इति षोडश अम नामना कलि कलमश नाशि। इस महामंत्र में 16 भगवान का नाम है और हम लोगों के शरीर में भी 16 फल है। पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय और एक मन 11 हो गया और पंच महाभूत। ये षोडश कला है हम लोगों के शरीर, पंच महाभूत और पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और एक मन, ये 16। तो कहते हैं कि 16 तत्व को यदि कोई पवित्र करना चाहता है, 16 चीज को, इति षोडशकम नामना कलि कलमश नाशनम। ये जो महामंत्र है ये षोडशात्मक महामंत्र है और कलि के समस्त कलमश को नाश करने का। तो इससे अतिरिक्त यदि किसी दूसरे मंत्र का जप किया जाए तो काम चलेगा कि नहीं? तो कहते हैं नातः परत रूपाय सर्ववेदेश दृश्य। इस महामंत्र को छोड़ करके यदि कोई दूसरे नाम का आश्रय लेता है तो ब्रह्मा जी कहते हैं नातः परत रूप, परतः उपाय न आता, इसके अतिरिक्त तो इस दूसरे कोई उपाय नहीं। तो कहते हैं कि आप ऐसे क्यों कह रहे? तो कहते सर्ववेदेश दृश्य, सभ्य दुलाट कर देख लो। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं वेद का मंत्र है तो इसको जपने से क्या होगा? तो कहते हैं इति षोडश कला वृतस्य जीवस्य, इस जीव के ये 16 कला है आवरण विनाशनम, ये 16 आवरण को विनाश करने वाला है। जैसे बादल में सूर्य है तो सूर्य का प्रकाश इस पृथ्वी पर नहीं आता है, और बादल के छट जाने पर जैसे सूर्य का रश्मि पूरे पृथ्वी पर आता है, उसी तरह इस महामंत्र को जपने से 16 जो आवरण है वो नष्ट हो जाता है और नष्ट हो जाने के बाद उस निर्मल चित्त हो जाता है। तब कहते हैं पुनः नारद प्रपक्ष, फिर नारद जी पूछे भगवान का अस्य विधि रीति, आपने तो बड़ा सुंदर मंत्र बता दिया और इसकी जपने का विधि क्या, कैसे जपा जाए, कैसे नाम रहे? तो कहे कि न अस्य विधि, इसकी कोई विधि नहीं। सर्वदा सुचिर सुचिर व पठन, सब समय सूचि में और असूचि में सब समय जप पढ़े, लेकिन नीचे लिख दिया गया पठन ब्राह्मण। ये वेद की ऐसी मर्यादा है कि ब्राह्मण के अतिरिक्त यदि कोई दूसरा मंत्र को जपेगा तो उसी को नष्ट कर दे, क्योंकि भागवत में लिखा गया है स्त्री शूद्र द्विजाति नाम त्रैना श्रुति गोचर। भागवत के प्रथम स्कंद में बताए हैं कि यदि कोई स्त्री शूद्र और पतित द्विजाति उसको कहते हैं जो संध्या वंदन से विहीन ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये तीनों शूद्र द्विज, उनका 2 बार जन्म होता है, और ये लोग यदि संध्या वंदन नहीं करते हैं तो उनको पतित द्विजाति बोलते हैं। तो ऐसे पतित द्विजाति यदि इस वैदिक मंत्र को जपेगा, इसलिए पठन ब्राह्मण ब्राह्मण, तो ऐसे यदि ब्राह्मण पाठ जप करेगा तो क्या होगा? तो सालोकताम समीपताम स्वरूपताम सायुज्यम, उसको सालोक समीप सारूप और सायुज्य मुक्ति प्राप्त। अब इस श्लोक के आचार्य जी बड़े बड़े टीका लिखे हैं इस श्लोक के विषय में। तो सीताराम ओंकार नाथ जी कहे हैं कि ये जो महामंत्र है हरे राम 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 हरे, ये वैदिक मंत्र होने के कारण सबके लिए नहीं, क्योंकि नीचे लगा दिया गया। जब श्री गौरांग महाप्रभु दक्षिण भारत में गए और जब इनको ये मिला हरे राम तो जब नहीं, क्योंकि कलयुग में गौर का अवतार हुआ है और सबको देना है, तो उनको ब्रह्मांड पुराण में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये महामंत्र ये पौराणिक मंत्र होने के कारण इस सब समय सूचि असूचि खाते पीते सोते बोल सब समय इस नाम को बोल सकते। चतुर्वर्ग प्रदम सौम्य, इस महामंत्र जो षोडशात्मक महामंत्र है और इसमें 32 अक्षर है, या अनुष्टुप छंद का अनुष्टुप छंद में 8-8 अक्षर का होता है, तो 8-8 16 फिर 8-8 16 16 32 इसमें अक्षर।
तो इस मंत्र को लेने से क्या होगा, तो भक्ति चंद्रिका में लिखा गया है कि चतुर्वर्ग प्रदंश होंगे। यदि कोई भगवान का नाम रटता है तो भगवत प्रेम ही नहीं संसारिक वस्तु भी प्राप्त होगा इस नाम रटने से। यदि कोई बहुत गरीब आदमी है केवल नाम ले तो उसका खाना पीना की व्यवस्था नाम पर होगा। चतुर्वर्ग प्रदम सौम्य भक्तिदम प्रेम पूर्वक। यदि इस भगवान नाम संकीर्तन को कोई व्यक्ति करता है तो चतुर्वर्ग प्रदम सौम्य, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। और दुर्बुद्धि हरणम, यदि कोई नाम रटता है तो उसका दुर्बुद्धि है, मनुष्य उसके मन में काम आता है, क्रोध आता है, लोभ आता है, संसार को कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, तो इसको हरण कर। तो नाम किसी साधु बन गया, उसका मन लोभ के प्रति आ गया, काम के प्रति आ गया, तो समझ जाना चाहिए नाम नहीं रटता। नाम रटेगा तो उसका दुर्बुद्धि हरण होगा ही होगा। एक गलत लोग कहते हैं कि मैं भजन करता हूँ हमारा मन काम में जाता है, क्रोध में जाता है, जाता है, इसका मतलब नाम नहीं रटता। क्योंकि यहाँ जो शास्त्र में प्रमाण है, जो भी भगवान का नाम का जप करता है तो उसको पाप करने की प्रवृत्ति नहीं आती। और यदि आ रही है तो समझ यही मीठा है, यदि आ रही तो समझ नाम नहीं रटता। क्योंकि दुर्बुद्धि हरणम शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायक, ये भगवान का नाम क्या करता है तो दुर्बुद्धि को हरण कर देता है, मन इधर उधर भागने नहीं देता। जो भगवान का भजन करता है नाम रटेगा तो उसका मन इधर उधर नहीं जाए। इसीलिए जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हैं सर्वाराध्यम, अपना आराध्यना आराध्य किसको बनाए, भगवान के नाम। सर्व सेव्य, ये भगवान का नाम जो हरे कृष्ण महामंत्र है सबके लिए, सर्व सेव्य सर्वे साम काम पूरक, इसको शूद्र चंडाल अंत्यज, अंत्यज कहते हैं जो चार वर्ण में है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये तो चतुर। लेकिन जो अंत्यज, अंत्यज कौन है, मुसलमान, अंत्यज कौन है तो क्रिश्चियन है। तो वैसे लोग भी यदि भगवान का नाम रटेंगे तो कहते हैं सर्व सर्वे साम काम पूर्व, सबके काम को पूरा करने वाला है। सर्वाधिकार सर्व सबका अधिकार है, इस महामंत्र में जितना ब्राह्मणों को अधिकार उतना शूद्र का भी अधिकार है। एक महात्मा कहते थे जैसे सांस लेने का सबको अधिकार है, वैसे इस भगवान नाम में भी सबका, सर्व लोकिक बांधव, सत्य पूजा जाए तो पूरे संसार का सबसे बड़ा बांधव कौन है, महामंत्र भगवान का नाम। जो ठाकुर जी का नाम लेने का जिसको अभ्यास पड़ गया तो उसको समझ जाएगी कि मैं अपने बंधु के साथ, भगवान सब तरह से उसकी रक्षा करेंगे। सर्वाकर्षण संयुक्तम, सबके चित्त को आकर्षण करने वाला भगवान का नाम है, दुष्ट व्याधि विनाशन। यदि भगवान का नाम लिया जाए तो बड़े बड़े से भयानक व्याधि को विनाश कर देता है। आ इस नाम में हरे कृष्ण नाम लेने के लिए दीक्षा की भी कोई अपेक्षा नहीं। चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है दीक्षा पूरा शरण आदि ना करे विचार। यहाँ भी लिखा गया दीक्षा विधि विहीनम च, यदि कोई दीक्षा भी ना लिया और बिना दीक्षा लिए भी भगवान का नाम लेता है तो उसको भी काम करेगा ये भगवान का नाम। काला काल भी जाते, ये काला काल से परे है भगवान का नाम। अरे कहाँ तक कहे, जिह्वा स्पर्श मात्रेण सर्वेषां फलदायक, केवल जीव ऐसा पूजा है। अब इस पूजा के लिए ना आरती करना है, ना फूल तुलसी की इकट्ठा करना है, ना चंदन लाना है, ना भोग करना है, केवल जीव के स्पर्श मात्र से पूजा चालू हो जाता है। आप कहीं भी बैठे रहिए और अपने जीव से हरे कृष्ण कहते रहिए, भगवान का नाम लीजिए, तो आपका सब काम आदेश काला नियमित। ऐसी बात नहीं है कि सुबह ही ले सकते हैं, शाम को ही ले सकते हैं। अरे खाते सोते उठे उठते बैठते सर्वदा भगवान का नाम, खाते सुते जथा तथा नाम लय, देश काले नियम ना ही सर्व सिद्धि न, ये सब कुछ देने वाला है। एक बात और कहते हैं कि ये मंत्र बड़ा गोपनीय है, ये भगवान का जो हरे कृष्ण नाम बड़ा गोपनीय है और भक्ति को देने वाला है। तान नित्यम जे जपंती, इस महामंत्र को जो नित्य जपता है, नित्य जपने का अर्थ होता है सतत जप। जैसे श्री गौरांग महाप्रभु जब जब नाम को बंद करना होता था तो झोली नहीं रखना पड़ता था, जीभ को पकड़ना पड़ता था,
जब गौरांग महाप्रभु सोचते कि अब नाम बंद करना है, इस समय नाम नहीं लेना है, तो उनके कहने से जीव बंद नहीं होते, जीव को ऐसा अभ्यास करना, खाते सोते उठते बैठते चलते हमेशा भगवान नाम। तान नित्यम जे जपन्ति धीरस्ते माया मति तरन्ति, वो माया से पार हो जाता है। फिर लिखे नाम गे न अन्य, अन्य लोग नहीं कर पाते, इसलिए परम मंत्र परम रहस्य नित्य माँ वर्तय, इसलिए परम एक महामंत्र क्या है तो परम रहस्य चित्त है, इसीलिए इस नाम को खूब जोर जोर से भगवान श्री कृष्ण ने नाम दिया। स्वयं तदो भक्त जना श्री गौरांग महाप्रभु को लोक से अवतरित हुए और अवतरित होकर के देखे कि यह सारा संसार दुखी है, जिसको कुछ देना चाहिए, तो स्वयं तदो स्वयं भगवान दे दिए। क्या भक्त जना समाधिश्य, और चैतन्य महाप्रभु दिए ही नहीं बल्कि उनके साथ नाच नाच करके दिखाए भी। हरिनाम प्रसादे न निस्तरित पातकी जना, भगवान के नाम लेने से पातकी जन्म, देखिए पापों का प्रायश्चित है लेकिन पातकियों का कोई प्रायश्चित नहीं है, कुछ ऐसा पाप है जिसका कोई प्रायश्चित है नहीं, तो वैसे प्रायश्चित को भी नष्ट करने वाला हरे कृष्ण महामंत्र। जैसे किसी से अनजान में गाय हत्या हो गया है गोबर, तो उसके लिए प्रायश्चित बहुत बहुत पाप है ऐसे, तो उन पापों को भी इतना करोड़ नाम जब करने से महापातक का भी नष्ट हो देता है, इसलिए उपदेष्टा स्वयं कृष्ण चैतन्य जगदीश्वरा। तो इस महामंत्र का उपदेष्टा कौन है, कौन जगत में प्रचार किया, तो साक्षात भगवान श्री हरि बहुल रूप में प्रकट होकर जगतवासियों को ये नाम दिए। श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य देवे न हरि नाम प्रकाश, ये मंत्र पहले से था पुराण इत्यादि में लेकिन इसको कोई जपता नहीं, साक्षात श्री गौरांग महाप्रभु प्रकट होकर के जिन केना तत्प्राप्त बोधेश्व लोक पावना, संसार को पवित्र करने के लिए इस जगत में महामंत्र का उपदेश है, और महामंत्र का उपदेश देकर जगतवासियों को ये शिक्षा दी। इसलिए कवि कर्णपूर्ण कहे हैं कि ततः श्री गौरांग समवद अतीव प्रमोदितो, श्री गौरांग महाप्रभु को जब यह हरे कृष्ण महामंत्र मिला तो हरे कृष्ण इति ऊंचाई बदल मुहूर्ति श्रीमती है, श्री चैतन्य महाप्रभु इस महामंत्र को लेकर के उच्च नाम संकीर्तन किए और इतना संकीर्तन किए कि जगत को दिखा दिए, रुदन रोते हुए हंसते हुए नाचते हुए घूमते हुए सर्वत्र भगवान नाम को प्रचार किए। बाहु पासारिया प्रभु ब्राह्मणे तुलिया तार भरे भक्ति भरे गान आरंभ किया, चैतन्य मंगल में लिखा गया है कि साक्षात श्री गौरांग महाप्रभु महाराज किस